सो फाइनली बलांगीर से बुलावा आ गया और हम जा रहे हैं घर। फटाफट से ऑटो बुक किया और हम चल दिए SMBT स्टेशन की ओर। मतलब एक परफेक्ट मौसम का डेफिनेशन बना हुआ था बाहर। रेलवे स्टेशन का रोड देख के ऐसा लगा कि शायद हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते में आ गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट को ही आ गए हैं। सच बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। जोक्स अपार्ट, मैं अपने लाइफ में पहली बार इतना स्पेशियस कोई रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ, इतना साफ, नीट एंड क्लीन। आपको पता है, मैं जब लोगों को देख रहा था तो वो रियली सच में कंफ्यूज थे कि ये सच में एयरपोर्ट तो नहीं है। ये 30 किलो का बैग उठा के मैं चल दिया अपने प्लेटफॉर्म की ओर। रेलवे स्टेशन में मैंने पानी पीने की जगह इतनी साफ कभी नहीं देखी थी। थोड़ा खाने पीने का सामान खरीद के मैं चल दिया स्टेशन को टहलने के लिए। ये जो अंडरग्राउंड पैसेज देख रहे हैं आप, इससे आप दूसरे प्लेटफॉर्म को भी जा सकते हैं। कितनी सही चीज़ है ये। फिर बहुत जोरों की बारिश होने लगी तो मैं अपने बर्थ में जाके बैठ गया। अब बेंगलोर को बाय बाय करने का समय आ गया था। बैठे बैठे मुझे एक शायरी याद आ गई। आज हल्की हल्की बारिश है और सर्द हवा का रस भी है। आज फूल बिखरे बिखरे हैं और उनमें तेरा अश्क भी है। फिर मैं अपनी ऊपर वाली बर्थ में चढ़ के अपनी फेवरेट कॉमेडी मूवी देखने लगा। मुझे ये लाइट का जलना और बुझना नहीं बुझा, ये होता क्या है? टीटी साहब को अपना बर्थ नंबर बताने के बाद जब मैं पलटा तो मुझे बहुत स्ट्रेंज चीज दिखा। What is the spelling of Bhubaneswar? You can learn from here. BHUUANES। आप भुवनेश्वर एक्सप्रेस और प्रशांति ट्रेन में खाना बेफिक्र ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। दूर से ही हमें तिरुपति भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। मैं पिज्जा का इंतजार करता गया लेकिन पिज्जा नहीं आया। फिर निराश होकर वापस अपने बेड को आ गया, पर भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। ऐसा लगा कि बच्चे कुछ पानी से काम चलाना पड़ेगा। एक स्टेशन है या भूत बंगला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, आदमी मरेगा नहीं इसमें। वहां पे एक लाइट कैसे जल रहा है। फिर मैं अगले स्टेशन में उतर के ये चेयर्स पी लिया, बहुत टेस्टी है सच में। एक नई उम्मीद, एक नई सुबह, एक नई जगह और नए लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग सामलकोट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वाइजाग पहुंचने वाले हैं। आई थिंक इंडियन रेलवेज को ये व्हाइट बेडशीट के कॉन्सेप्ट पे कुछ करना चाहिए। सो फाइनली हम लोग विशाखापट्टनम आ गए। इज्जत में गर्मी प्रकार गर्म। फिर हमें लेने आ गए CEO मणि। वाइजाग बिल्कुल नहीं बदला, जैसा का वैसा, सुंदर हमेशा की तरह। अब विशाखापट्टनम ने बुलाया है तो हम सब घूमेंगे एक साथ। फाइनली हम लोग मणि के घर पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं वाइजाग से। बाय बाय, टेक केयर।